हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में शुरू से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कराया जाएगा और इससे संबंधित जो थोड़े मिक्स्ड प्रश्न बनते हैं उनको भी कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाओ। तो अगर आपको पहले से आता है तो सवाल को लगाते हुए चलिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और बाकी जो आपके भाई बंधु नहीं जानते उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू से क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का घटाव सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2/3 = 4/3 है। कुछ लोग CBSE के भी बच्चे देखते हैं ना, जब तो पूछते हैं सर अंश को क्या बोलते हैं, ये भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो थोड़ा गूगल भी सर्च कर लिया करो, क्यों क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर 2/3 = 4/3 है। यहाँ पर जब भी ऐसा भिन्न दिया जाए जोड़ने को, दो भिन्नों को आपस में जोड़ना रहे, जैसे 2/3 क्या है भिन्न है, 4/3 क्या है भिन्न है, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो सबसे पहले देखना जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जब भिन्न का हर क्या होता है बराबर हो, जैसे ये 3 है ये भी 3 है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो भिन्न का अंश होता है उसी को जोड़ा जाता है। 4 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाकी जो भिन्न का हर अगर बराबर है, 3 है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेना। अब ये 5/3 किसी से कटेगा नहीं, हम क्या लिखेंगे, इसी को आंसर लिखेंगे। तो इतना सरल तरीका होता है भिन्न का जोड़ करने का, तब जब भिन्न का हर क्या हो बराबर हो। अब ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर नहीं होता है उसको कैसे किया जाता है, उसको आप दो तरीके से कर सकते हो। लेकिन कब दो तरीका अपनाओगे, जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ना रहेगा और भिन्नें छोटी छोटी हों, जैसे 8/4, 2/5/2, ये सब छोटी संख्या है। अगर यहीं पे लिखा होता 15/16, 13/14, तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, समझ रहे हो। यानी बड़ी बड़ी संख्याएं जब रहेंगी तब आप एक ही नियम लगाओगे, वो है LCM मेथड। यानी समझ में आई बातें। तो देखो यहाँ पर मैं दोनों तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। 8/4 = 5/2 है, भिन्न का हर बराबर नहीं है, तब आप पहला तरीका क्या लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक मेथड। उसमें क्या होता है, 2 का गुणा अगर आप 8 में करोगे, 2 का गुणा 8 में करना पड़ेगा, 2 8 कितना होगा 16 होगा। 4 का गुणा 5 में करना पड़ेगा, 4 5 कितना होगा 20 होगा। अब आपको करना क्या है, इस तरह से बटे का चिन्ह लगाना। 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 2 8 होगा, 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 4 8 हो जाएगा। अब देखो भिन्न का हर क्या है बराबर है, तो हम अंश को आराम से जोड़ सकते हैं कि नहीं, आराम से जोड़ लेंगे। हम 20 और 16 को जोड़ेंगे, 20 और 16 को जोड़ोगे तो 20 10 30 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपका हर बराबर है तो 8 लिख लेना। अब देखो 36 और 8 अगर किसी से कट रहा है तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे, तो 4 से कट जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, समझ में आई। तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है, 4 9 36 होता है। अब 9/2 आ चुका है, किसी से कटेगा नहीं, तो 9/2 को आप इस तरह से आंसर लिख देना। बातें समझ में आई कि नहीं। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे सेम इसी तरह से करना। अब इसी सवाल को मैं क्या करता हूँ, LCM मेथड से बताता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे सवाल आपका क्या था, सवाल आपका था 8/4, धन आपका कितना था 5/2 था। अब हम इसी सवाल को क्या करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, LCM मेथड से। किससे, LCM मेथड से। हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 हर बराबर नहीं है, तो 4 और 2 का LCM लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, 4 और 2 का अगर आप LCM लोगे तो सेम इसी तरह से निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 9 4 हो जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 को उसी तरह से उतार लेंगे। जब नीचे 1 1 आ जाए तब आप इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाना, यहाँ पर जो भी संख्या आई रहेंगी उन्हीं को लिखना। जैसे 2 है 2 है तो यहाँ पर 2 × 2 इस तरह से लिखना, हमेशा गुणे के रूप में। 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 2 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा था 4 और 2 का LCM, तो कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा LCM। अब आप क्या काम करना, इस तरह से बटे का इस तरह से चिन्ह लगाना और नीचे आपको इस तरह से 4 लिख लेना है। अब ये पहले से इसका हर 4 था, तो 4 से हम 4 में भाग देंगे, भाग देना पड़ता है। इसके हर से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 4 से 4 में भाग दोगे एक बार में कट जाएगा, तो जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करना, यानी 8 का गुणा 1 में करोगे, 8 1 8 होगा। अब देखो हम 2 से 4 को काटेंगे, 2 2 9 4 हो जाएगा, 2 बार में कटा है, तो उस 2 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे यानी 5 में, 5 2 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 10 8 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। नीचे आपका 4 है तो 4 लिख लेना। अब 18 और 4 को काट लो तो किससे कटेगा,
चार से कटेगा, चार डायरेक्ट नहीं कटेगा, दो दूना चार हो जाएगा, दो नवा 18 हो जाएगा, 9/2 आया, तो 9/2 यही आपका उत्तर है। देखो इसमें भी जब आप एलसीएम मेथड से किए, एलसीएम मेथड से जब आप किए तो 9/2 आपका उत्तर आया, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किए तब पर भी आपका उत्तर कितना 9/2 ही आया है। समझ में आई बात है कि नहीं? तो थोड़ा आप चीज़ों को सीखते हुए आराम से चलोगे तो हर एक चीज़ सीखते चलोगे। अब कुछ बार आप सोचते हैं हमको आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए चलो, जो भी सवाल आपको आता है ना उसका थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, क्या होगा ना वो चीज़ें भूलते ही नहीं है, कैलकुलेशन मजबूत होता है। और नहीं आ रहा है तो सीखिएगा ध्यान से। अब जो बालक को नहीं आ रहा है वो बड़ी ध्यान से सीख रहा होगा कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे गुणा हो रहा है, कैसे भाग हो रहा है। समझ में आ रही बात है कि नहीं? शुरुआती अवस्था में आप भी इसी तरह से सीखे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भिन्न का जोड़ आपको आ गया ना, अगर हर बराबर ना हो तो कैसे किया जाए, अगर हर बराबर हो तो कैसे किया जाएगा। अभी इसका कठिन प्रश्न भी करेंगे, यानी तीन चार भिन्नों को आपस में जोड़ना रहेगा तो कैसे किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाव बताते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या घटाव लिख देता हूँ। ये बोर्ड कैसे हैंग हो गया भाई? ओहो रुको एक सेकंड, जरा वेट कर लो, सिस्टम हैंग हो गया है। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, घटाव लिखते हैं, क्या घटाव लिखते हैं। अब घटाव भी सेम क्या होता है, भिन्न का जोड़ की तरह होता है। एक ही दो प्रश्न इसका भी बताएंगे, इसके बाद कठिन प्रश्न बताना शुरू किया जाएगा, क्यों? चलिए भिन्न का घटाव में क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ प्रश्न 8/6 लिखता हूँ, और यहाँ पर माइनस लिखता हूँ कितना 5/6 लिख लेता हूँ, यानी 5/6। अगर भिन्न का हर बराबर है तो अंश को हम आसानी से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। हर आपका बराबर है तो 6 लिख लो, 3/6 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगर यहीं पे भिन्न का हर बराबर ना हो तो कैसे किया जाएगा, अब इस चीज़ को हम लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर भिन्न का हर बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/3 लिखता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना 2/6 लिख लेता हूँ। अब भिन्न का हर बराबर नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाकर आप इस प्रश्न को कर सकते हो। जैसे देखो, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करो, चाहे आप एलसीएम मेथड का प्रयोग करो, लेकिन अगर आप थोड़ा और दिमाग का प्रयोग कर लोगे, कभी कभार क्या होता है संख्याएँ काटने पर कट जाती हैं तो हर बराबर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखना है। जैसे अगर हम 2 को काटें, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो 1/3 आ गया कि नहीं। अब ये भी हर 3 है, ये भी 3 है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 5 में से 1 घटा लेना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे आपका हर बराबर था 3, तो 4/3 इसका उत्तर आएगा। ये सब ध्यान देने वाली योग्य बात है। अब जैसे अगर इसी प्रश्न को 2/6 लिखा हुआ था ना, हम क्या लिखते हैं, 2/6 ही लिखते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे तब पर भी वही उत्तर आएगा। अगर मान लो हर आपका इस तरह से बराबर नहीं है, तब के कंडीशन में बता रहा हूँ, प्रश्न आते हैं 6 × 5 करोगे 56 कितना होगा, 30 होगा। 3 × 2 करोगे 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। इसके बाद 6 × 3 कर लेना, 36 = 18 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहली बार में बताया था, 6 × 3 कर लोगे 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके नीचे लिख लो, 3 × 6 कर लो, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर कहीं पे 30/18 -6/18 लिखा हुआ है तो आप इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो, पूरे का बटे का चिन्ह लाकर 18 लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, समझने में आनी चाहिए। 30 में से अगर आप 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 30 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो 24 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे आराम से, इसके बाद बटे में 18 है तो 18 लिख लेंगे। अब 6 से आराम से कट जाएगा, 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। 4/3 आया है तो 4/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न को आप क्या कर लेना, एलसीएम मेथड से आप अपने मन से करना। अब 3 और 6 का एलसीएम निकालना, कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए करके बताते हैं, शुरुआती अवस्था है तो थोड़ा करके बताया जाए। 3 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इसे 2 से काटोगे, 3 नहीं कटेगा उसको, उसी तरह से 2 × 3 = 6 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3। अब यहाँ पर जब नीचे 1 आ गया है तो इसका आपस में गुणा किया जाता है, 2 × 3 करोगे, 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। एलसीएम आपका 6 आया है तो आप बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से 6 लिख लो। 3 से 6 को काटोगे 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा 5 में करो, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 पहले से, 6 को 6 से काटोगे 1 बार में कटेगा, 1 × 2 में करोगे, 1 × 2 = 2 होगा। अब 10 में से आप क्या करोगे, 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना, 8।
बटे में सिक्स है, सिक्स लिख लो। अब ये दो से कटेगा, दो तिहाई कितना होगा, छः होगा, दो चौके आठ होगा, चार बटे तीन इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो हर एक परिस्थिति में देखो उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्यों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, भिन्न का जोड़ हो गया, घटाव हो गया। अब भिन्न का जोड़ और घटाव का ना थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न करते हैं। अब बड़ा बड़ा प्रश्न करेंगे तो ध्यान से समझना, तब और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ भाई। चलिए अब प्रश्न मैं लिखता हूँ, आप फटाफट से नोट करिए। जिन लोगों को अगर चीज़ें आ रही हैं तो समझते हुए चलिएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं, आराम से समझोगे, पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। प्रश्न है यहाँ पर तीन बड़ी बड़ी संख्या लिखता हूँ, दस बटे कितना पाँच, धन यहाँ पर लिखता हूँ छः बटे कितना दस, प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ चार बटे कितना यहाँ पर बारह लिख लेता हूँ, कितना बारह लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इन तीन भिन्नों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। बड़ी अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। जब भी तीन भिन्नों को जोड़ना रहेगा तो हमेशा एलसीएम मेथड का प्रयोग करना। अब हम क्या करेंगे, पाँच दस बारह का एलसीएम लेंगे। पाँच दस बारह का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर लिख लेना पाँच दस, फिर इसके बाद बारह यहाँ पर लिख लेना। अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं, दो से काटेंगे, दो से काटोगे पाँच नहीं कटेगा, दो से काटोगे दो पंचे दस हो जाएगा, दो से काटोगे दो छंग बारह हो जाएगा। अभी भी दो से कटेगा लेकिन पाँच नहीं कटेगा, जो ना कटे उसको उसी तरह लिख लो, दो तिहाई कितना होगा छः होगा। अब ये तीन से कटेगा, पाँच नहीं कटेगा, तीन इक्के तीन होगा। अब ये डायरेक्ट पाँच से कट जाएगा, पाँच इक्के पाँच, यहाँ पर एक रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ आती है उसी को लिखेंगे, दो दो तीन पाँच है, टू इंटू थ्री इंटू पाँच। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, दो दो तीन पाँच। अब यहाँ पर देखो, दो दूना चार, चार तीन बारह, बारह पंच कितना हो गया साठ हो गया। तो ये जो साठ आया है यही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी पाँच दस बारह का एलसीएम कितना होगा साठ होगा। आप क्या काम करना, इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाकर बटे लिखकर यहाँ पर साठ लिख लेना। पाँच से साठ को काटोगे, पाँच बारह में कितना होता है साठ होता है, बारह बारह में कटेगा, बारह का गुणा दस में करोगे बारह दाम में कितना हो जाएगा एक सौ बीस हो जाएगा, प्लस दस से साठ को काटोगे दस छंग कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा, छः बार में कटेगा, छः का गुणा छः में करोगे छत्तीस हो जाएगा। अब यहाँ पर बारह से साठ को काटो, बारह पंचे कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा, पाँच का गुणा हम चार में करेंगे पाँच चौके कितना होगा बीस होगा। अब इसी को आराम से सवाल को सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो 20 36 120 को जोड़ना है तो जीरो यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, जोड़ोगे तो दो तीन और दो कितना हो जाएगा पाँच, पाँच दो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, यहाँ पर एक बच रहा है एक लिख लो, 176 बटे कितना है साठ है। अब यह देखो किस संख्या से कटेगा, कटने पिटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लोगे, तो दो से कट जाएगा। यहाँ पर दो से काटोगे कितनी बार में कटेगा, दो अट्ठे कितना होगा सोलह होगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा हासिल दो अट्ठे सोलह हो जाएगा, दो से काटोगे दो तिहाई छः हो जाएगा। अपर भी ये किससे कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तो हम दो से काटेंगे दो पंद्रह में कितना होगा तीस होगा, इसको काटोगे दो चौके आठ हो जाएगा। अब ये चौवालीस बटे कितना है पंद्रह है, समझ में आ रही बातें। अगर यह किसी संख्या से कटने लायक है तो काट के सरल किया जा सकता है, लेकिन यह किसी से कटेगा नहीं तो चौवालीस बटे पंद्रह इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 44/15। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा सेम इसी तरह से करना, जब तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना हो या तीन भिन्नों को आपस में घटाना हो तो हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करके उस सवाल को सॉल्व करेंगे। आया रही बातें, अगर चार भिन्नों को जोड़ना होता तब पर भी हम यही प्रयोग करते, पाँच भिन्नों को जोड़ना हो सेम यही तरीका अपनाएंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी जो समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न किया जाता है। अगले प्रश्न में क्या होता है, जैसे कुछ मिश्र भिन्न का सवाल होता है, तो मिश्र भिन्न का सवाल कैसे दिया जाता है जरा चीज़ को समझो, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, मिश्र भिन्न लिख देता हूँ। अब मिश्र भिन्न में क्या होता है जरा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिख देगा दो सही तीन बटे पाँच, धन क्या लिख देगा चार सही दो बटे पाँच लिख देगा। अब ये जो भिन्नें आपको दिखाई देती हैं इन्हीं को मिश्र भिन्न बोलता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, दो सही तीन बटे पाँच, चार सही दो बटे पाँच। अब इनको सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, जब भी कोई मिश्र भिन्न दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीन सही दो बटे छः,
तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। उसका तरीका है क्या है, छ का गुणा हम क्या करेंगे, तीन में करेंगे, तो छत्र कितना होगा, 18 होगा। तो 18 को हम उसके अंश में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 18 दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। इसके बाद बट्टे में छः, तो 20/6 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इस मिश्र भिन्न में है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 × 2 = 10, 10 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। प्लस 5 का गुणा 4 में करोगे, 5 × 20, 20 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा, 5/2। अब ये देखो साधारण भिन्न का जोड़ बन चुका है, हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेंगे। अंश को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 + 10 = 30, 30 × 3 = 33, 34 = 35 हो जाएगा, 35/5। अब ये 5 से काटोगे, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब भी मिश्र भिन्न का कितना भी बड़ा सवाल दिया हो उसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में लिख लेंगे तो आराम से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, बस समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सवाल आपको दे दे, 2 = 3/5, −2 = 4 = 3/6, धन लिख दे आपका 3 = 5/5 लिख दे। तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है, 5 × 10 = 3 कितना हो जाएगा, 13/5। हम 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 × 4 = 24, 24 में 3 जोड़ देंगे, 25, 26, 27, 6 × 24 = 24 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 27/6। 5 × 3 में करो, 5 × 3 = 15, 15 × 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। अब ये साधारण भिन्न का जोड़ बन चुका है, इसका हर बराबर नहीं है, तो हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अरे अब आ गई बातें कि नहीं, यानी मिश्र भिन्न बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसमें क्या होता है, हम उसको आराम से साधारण भिन्न में बदलते हैं, फिर इसके बाद साधारण भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमको आता है, तो हम आराम से कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और लेके किया जाता है। अब ऐसा प्रश्न जिसमें भिन्न का जोड़ घटाव दोनों दिया जाए तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं प्रश्न ले लेता हूँ, प्रश्न लेता हूँ और उसमें क्या होता है ज़रा ध्यान देना। जैसे मैं 5/10 लेता हूँ, 10 लेता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ 6/10 लेता हूँ, इसके बाद माइनस क्या लेता हूँ, 3/10 लेता हूँ। अब देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर है तो अंश को आराम से जोड़ा और घटाया जाता है। तो देखिए नियम के तहत जो हम लोग रूल पढ़ते हैं तो सबसे पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं, सबसे पहले जोड़ोगे फिर घटाओगे। जैसे अगर सिर्फ जोड़ और घटाओ दिया है तो सबसे पहले जोड़ोगे फिर घटाओगे। अगर मान लो जोड़ घटाओ गुणा भाग ये आपका चारों दिया रहे, तब सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ को। बातें समझ में आ गई कि नहीं। हम क्या करेंगे, 5/10 = 6/10 लिखा है, थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए हम इसको बदल भी सकते हैं। इसको इसी तरह से रहने देते हैं, मैं इसी सवाल को थोड़ा यहाँ बताता हूँ, तब थोड़ा मजा आएगा ना, जब थोड़ी नई नई चीज़ें सीखते हुए चलोगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जोड़ेंगे तो 6/5 कितना हो जाएगा, 11/11, हर बराबर है तो 11/10 लिखेंगे, −3/10 है तो −3/10 लिखा जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 7। अब 11/10 − 3/10 है, 11 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, 8/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बातें समझ आई, 8/10 को हम काट लेंगे, ये कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 4/5 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं इस तरीके से देता हूँ करने के लिए तो कैसे किया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसी सवाल को लिखता हूँ 5/10 और ये −3/10 यहाँ पर लिखता हूँ, इसके बाद प्लस लिखता हूँ, 6/10 लिखता हूँ, तब जब ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर 5/10 − 3/10 को भी पहले सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन अगर नियम के तहत करना चाहो तो इसी सवाल को आप इस तरीके से अपने से लिख सकते हो, 5/10 + 6/10 को यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बाद −3/10 को लिख सकते हो। अब अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो सेम इसी तरह से, तो उत्तर 4/5 ही आएगा। लेकिन हम अगर इस तरीके से कर रहे हैं 5/10 − 3/10, तो 5 में से आप 3 घटाओगे कितना जाएगा, 2/10 आ जाएगा। इसके बाद प्लस कितना है, 6/10 है, तो 6/10 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हर आपका बराबर है, अंश को जोड़ेंगे, 6 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 10/10 है, 10 लिखो। अब 8/10 को काटो, 2 × 8 = 2, 5 = 10, 4/5 तब पर भी आया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो बस आपको नियम और कानून पता होना चाहिए, कब गलतियां होंगी कब नहीं, तो उत्तर आपका सही निकलेगा। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। ओहो, एक सवाल और लगाते हैं, मुझे आएगा। यहाँ पर जैसे मैं प्रश्न को लेता हूँ, 8 बटे कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ 3/5 ले लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ 2/6, 2/ यहाँ पर 5 लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ 4/ कितना आपका 5 लेता हूँ। जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो कैसे किए जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना। 8/5 है, माइनस कितना है 3/5 है, और प्लस कितना है 2/5 है, माइनस 4/5 है। तो इस सवाल में भी आप अगर 8/5 माइनस 3/5 को सॉल्व करोगे जितना आएगा, फिर उसमें जितना है जोड़ोगे फिर घटाओगे, तो भी उत्तर आपका गलत नहीं आएगा। अब अगर आप नियम के तहत करना चाहो, सबसे पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो भी गलत उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 8/5, अब यहाँ पर प्लस 2/5 है, इनको इस तरीके से सॉल्व करना चाहा, 8/5 प्लस कितना 2/5 लिखो, इसके बाद माइनस 3/5 है तो माइनस 3/ यहाँ पर 5 लिख लो, माइनस 4/ यहाँ पर 5 लिख लो। अब इनको सॉल्व करो, जब इनको सॉल्व करोगे 8 2 कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, इसके बाद माइनस 3/5 है तो माइनस 3/5 लिखो, इसके बाद माइनस 4/5 है माइनस 4/5 लिखो। अब इनको घटा लो, जब इनको घटाओगे 10 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 7/ कितना 5 आएगा, इसके बाद माइनस 4/5 है माइनस 4/5 लिखो। अब 7 में से 4 घटा लो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो 3/5 इसका क्या यहाँ पर उत्तर आया है। लेकिन अगर इसी सवाल को हम बिना नियम के तहत करते हैं तब इसका उत्तर क्या आता है, जरा ध्यान देना क्या उत्तर अलग आ सकता है। चलिए देखते हैं, 8/5 है 8/5 लिखो, माइनस आपका 3/5 है 3/5 लिखो, प्लस 2/5 है प्लस 2/5 लिखो, माइनस 4/5 है माइनस 4/5 लिखो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप घटा लो, 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा आपका 5 आएगा, 5/5 आ जाएगा, प्लस कितना है 2/5 है, माइनस कितना है 4/5 है। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 कितना आ जाएगा 7/5 आएगा, माइनस 4/5 लिख लो। अब यहाँ पर 7 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 3/5, 3/5 यहाँ पर भी आया है और 3/5 यहाँ पर भी आया हुआ है। तो ये सारा खेल जानते रहना, कब हम प्लस और माइनस को नहीं सॉल्व करते हैं, कब सिर्फ पहले प्लस को करेंगे तब घटाएंगे, जब प्लस माइनस गुणा भाग तीनों दिया रहे, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, तब ऐसे कंडीशन में फंसोगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अब हम लोगों का आएगा गुणा और भाग, तो ध्यान से समझिएगा गुणे और भाग को, समझ में आ रही है बातें कि नहीं। अब यहाँ पर देखो गुणा मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या चीज़ सीखेंगे, भिन्न का गुणा सीखेंगे। तो गुणे में क्या चीज़ होता है जरा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न लिखता हूँ 6/ कितना 4 लेता हूँ, गुणे कितना हूँ 5/2 लेता हूँ। अब इसमें देखो हर बराबर हो या हर बराबर ना हो इससे कोई लेना देना नहीं होता है, हमें क्या होता है जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं 6/4 × 5/4 है, यहाँ पर हर बराबर है, इसमें ये नियम नहीं होता है कि हर बराबर रहेगा तो एलसीएम लेके गुणा किया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, गुणा और भाग में एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं को गुणे में काटना पड़ता है, जैसे संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हो, संख्याओं को तिरछा काट सकते हो। अब यहाँ पर जैसे 6 और 4 कटेगा तो हम काट लेंगे, 6 और ये भी 4 कटेगा तो काट लेंगे, जैसे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ किसी से कटेगा नहीं तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूना 8, 15/8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। सेम इसी तरह से एक प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न, जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न लेता हूँ 6/8 गुणे कितना लेता हूँ 3/5। अब यहाँ पर हर थोड़ी ना बराबर है तो हम एलसीएम थोड़ी ना लेंगे कि हर बराबर करें तभी गुणा होगा, गुणे में ऐसी झंझट नहीं होती है। हम क्या करेंगे, अगर संख्या कट रही है तो काट लेंगे, जैसे 2 से इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 होगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है तो अंश का गुणा अंश में 3 त्रिक 9 और हर का गुणा हर में, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सेम प्रश्न और लेते हैं, थोड़े और मस्त प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लिया जाता है, ध्यान देना अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 10/15 गुणे लेता हूँ 3/10 गुणे लिख लेता हूँ 12/5 ले लेता हूँ। अब चाहे तो आप 10 और 15 को काट दो, चाहे 10 से 10 को काट दो, चाहे इस 10 से 5 को काट दो, क्यों, क्योंकि हम संख्याओं को तिरछा काट सकते हैं, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं, यही इसका नियम है। बस संख्याओं को आप नीचे ऊपर नीचे काट सकते हो, संख्याओं को तिरछा काट सकते हो, किसी भी संख्या से तिरछा काट सकते हो। तो हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं 5 1 5 5 2 10 कर लेता हूँ। अब अगर इस 2 से 10 कट रहा है तो काट देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा।
अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी, 3 से हम 15 को काट देंगे, कट जाएगी, 3 एक 3 हो जाएगा, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, आराम से गुणा करके आंसर लिख लेंगे। अंश का गुणा अंश में करेंगे, 1 गुणे 1 करोगे 1 होगा, फिर 1 का गुणा 12 में करोगे तो 12 होगा। अब 5 का गुणा 5 में करोगे, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12/25 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? तो कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, हम इसी तरह से सेम करेंगे। अगर एक गुणा आपको इस तरह से दिया जाता है, जैसे देखो मिश्र भिन्न वाला, 2 सही 3/5 गुणे कितना, 4 सही 2/6 गुणे कितना आपका, 3 सही 1/5 दे दे। ये मिश्र भिन्न का गुणा है तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में इसको बदलेंगे। कैसे बदलेगा, 5 × 10 = 10, 3 कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। गुड़े 6 × 4 कितना, 24, 24 में 2 जोड़ दो 24, 25, 26/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गुड़े 5 × 3 = 15 कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कोई भी संख्या अगर किसी से कट रही तो हम काट पीट के सरल करेंगे। तो कोई भी संख्या किसी से कटेगी, यहाँ पर 26/6 भी कट जाएगा और 6 से 16 भी कट जाएगा। तो हम काटते हैं, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है। अब देखो 6, 7, 8, ये 26/3 नहीं कटेगा, अगर आप काटना चाहो तो नहीं कटेगा। 6 × 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी 3 से कटने का नियम होता है, संख्याओं को अगर आप जोड़ लो, अगर उनका योग 3 से कट रहा है तो काट दोगे, और यहाँ पर 6 × 2 = 8 होगा, 8 3 से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है, हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। तो यहाँ पर देखो, 13 × 26 करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 8 में करेंगे, तो आएगा 2704। अब बटे का चिन्ह लगाओ, 5 × 3 में करो या 5 × 25 में कर लो, हम 5 × 3 में करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है। अब ये 2704/75 ये आपका उत्तर होगा। तो अगर आप संख्याएं बड़ी लोगे तो उत्तर बड़ा आएगा, अगर मान लो संख्या बड़ी ली हो, संख्या कट पिट के छोटी हो रही है तो उत्तर छोटा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब आपको भिन्न का गुणा भी समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है, अब चलते हैं भिन्न को भाग को सीखते हैं, भाग कैसे होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। भाग का अपना एक नियम है, अगर आप उस नियम के तहत नहीं चलोगे तो भाग होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 15/ ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ। अब इसमें भाग देना है किससे, 35/ कितना लेना है, 30 से भाग देना है। तो भाग का नियम क्या कहता है, अगर 15/25 है तो 15/25 इसको इसी तरह से लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी हमेशा लिखी जाएगी। 35/30 है तो 30/35 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, अब आप इसे भिन्न के गुणे की तरह सेम सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, 15/25 कटेगा, 30/25 भी कटेगा, 15/35 भी कटेगा, 30/35 भी कटेगा। तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे, 5/25 हो जाएगा, 5/6 30 हो जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, 5 × 5 = 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब देखो, 3 से 35 नहीं कटेगा, नहीं तो हम काट पीट के सरल कर लेते, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, 35 का गुणा 1 में करोगे तो 35 रहेगा, 18/35 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। चीज़ें आ गई समझ में? तो जब भी भिन्न का भाग दिया रहेगा सेम इसी तरह से करना। अब क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, 3 भिन्नों को आपस में दे देगा भाग करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिया जाता है प्रश्न 70/35, 70/ कितना दे देगा आपका, 60 दे देगा। भाग करने को बोला जाए यहाँ पर 30/ कितना आपका, 40 से। फिर भाग करने को बोला जाए आपका 20/10 से। तो कैसे किया जाएगा, तो चाहे 3 भिन्नों को भागो, चाहे 4 चाहे 5, सेम अभी जो मैं तरीका बताऊँगा यही तरीका अपनाना। जैसे 70/60 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70/ ये कलर कौन सा है यार, 70/ इस तरह से 60 लिखेंगे, पहले वाले को सेम उसी तरह से। भिन्न का भाग गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 40/30 लिखा जाएगा। फिर भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 10/20 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब कोई भी संख्या अगर कट रही है तो काटो, तो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ऊपर 7 बचा है तो ऊपर हम 7 लिखें। नीचे देखिए, ये भी कटा है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7/9 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया।
अब मिश्र भिन्न का अगर आपको भाग दे देगा तो कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर मिश्र भिन्न का भाग दे, दो सही तीन बटे कितना पाँच, दो सही तीन बटे कितना पाँच भागे आपका चार सही कितना दो बटे आपका दस लिख दे। तो हम सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, पाँच दूना दस तीन कितना हो जाएगा तेरह बटे पाँच हो जाएगा। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बनाओ, दस का उड़ा चार में करो, दस चौक चालीस, चालीस दो कितना हो जाएगा बयालीस बटे कितना दस हो जाएगा। अब ये साधारण भिन्न का भाग हो गया, तो साधारण भिन्न का भाग जैसे किया जाता है उसी तरह से करो, तेरह बटे पाँच भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, दस बटे बयालीस लिखा जाएगा। जो भी संख्या अगर एक दूसरे से कट रहा है तो हम काट पीट के सरल करेंगे, जैसे पाँच से दस कट जाएगा, पाँच इक्के पाँच, पाँच दूना दस, दो से बयालीस कट जाएगा, दो दूना चार, दो इक्के दो। अब यहाँ पर देखो एक तेरह का उड़ा एक में करोगे, तेरह इक्के कितना होगा तेरह होगा, और नीचे कितना है आपका इक्कीस है, तो यहाँ पर इक्कीस लिख लो, तेरह बटे इक्कीस इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं ना, भिन्न का गुणा और भाग अगर साथ में दिया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद जो है ना भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सारे एक साथ दिए रहेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, सारी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेता हूँ, बनाता हूँ, बी यहाँ पर लेता हूँ आपका पच्चीस बटे कितना ले लेता हूँ पचहत्तर ले लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह बना कर लिखता हूँ पैंतीस बटे कितना सत्तर लेता हूँ, अब गुड़े यहाँ पर ले लेता हूँ कितना आपका पैंसठ बटे कितना छोटी संख्या ले लेता हूँ, दस बटे कितना दो ले लेता हूँ। अब अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब यहाँ पर पच्चीस बटे पचहत्तर है तो इसे हम लोग पच्चीस बटे क्या पचहत्तर लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुड़े में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, सात बटे पैंतीस लिखा जाएगा, फिर इसके बाद गुड़े दस बटे दो है तो गुड़े दस बटे दो ही लिखा जाएगा। अब ये साधारण भिन्न का गुणा बन चुका है तो संख्याओं को हम काट पीट के सरल कर लेंगे, जो उत्तर रहेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो 25 और 35 कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 से 75 को काट देंगे, 25 से 25, 25 50, 25 तीन 75 हो जाएगा। अब 3 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, 35 से 70 कट जाएगा, 35 से 35, अब 35 दूनी कितना होता है 70 ही होता है। दो से दो को काट देते हैं, या दो से इस दस को काट देते हैं, दो पंचे दस हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो दो का गुणा पाँच में कर लेना, दो पंचे कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, और बटे में तीन है तो तीन लिख लो, दस बटे तीन इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं, जब भी भिन्न का गुणा भाग एक साथ दिया रहेगा सेम इसी तरह से करना, चीज़ें समझ में आ गई। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, सेम इसी प्रश्न में बढ़ाते हैं प्रश्नों को ना, ये कितना था सत्तर था, फिर इसके बाद अगर यहाँ पर भी भाग का चिन्ह लगा कर लिख दे बीस बटे कितना तीस लिख दे, अब गुणे यहाँ पर लिख दे आपका दस बटे कितना दो लिख दे, तो कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो नियम जानते हैं उसी नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 25 बटे पचहत्तर, तो 25 बटे इस तरह से 75 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुड़े में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 70 बटे 35 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर गुड़े का चिन्ह बनाएंगे, 10 बटे 2 है तो 10 बटे 2 इस तरह से लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुड़े में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 30 बटे 20 लिखा जाएगा, फिर गुड़े 10 बटे 2 है तो 10 बटे 2 इस तरह से लिख लेंगे। अब ये देखो सब आपस में क्या है गुड़े में, हम काट पीट के सरल करेंगे, जो उत्तर आएगा वही तो उत्तर होगा। अब 25 25 25 तीन 75, 35 दुना कितना 70, 10 से 2 को काटेंगे, 2 पंचे 10, अब 20 से 30 को काटेंगे तो 0 0 काट दो बस, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब देखो ऊपर कोई भी संख्या किसी से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है, यहाँ पर 3 है, ये 35 कट चुका है, 2 भी कट चुका है, इस वाले 2 से हम क्या ये वाला 2 काट देंगे, तो नीचे देखिए सब कुछ कट चुका है, बस 3 बचा हुआ था, नीचे हम 3 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये पाँच, ये देखो तीन ये भी है और तीन ये भी है, तो तीन से तीन को काट दो, क्या दिक्कत है। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो नीचे आप एक लिख लेना, अब ऊपर देखो जो भी संख्या है उनका आपस में गुणा कर लो, पाँच बचा हुआ है, इसके बाद ये पाँच बचा हुआ है, पाँच बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बटे एक आया है तो 25 बटे एक को आप इस तरह से 25 लिखना, ये आपका उत्तर होगा। ये सवाल समझ में आ गया, अगर गुणा भाग साथ में दिया हो। अब ऐसा सवाल लिया जाए जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक साथ दे दिए जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न लिया जाए, मस्त प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं, 20 बटे कितना 30 धन आपका ले लेता हूँ आपका आपका 10 बटे कितना आपका 5 ले लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर गुड़े का चिन्ह लगाकर लिखता हूँ आपका 3 बटे कितना 4, और भाग का चिन्ह लगाकर लिखा जाए 2 बटे कितना 4। जब भी ऐसा और माइनस यहाँ पर लिखा जाता है 3 बटे कितना आपका 30 ही लिख देते हैं, 30 बटे कितना 30 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर 20 बटे 30 धन 10 बटे 5 गुड़े 3 बटे 4 भागे 2 बटे 4 माइनस 30 बटे 30 है,
जब ऐसा प्रश्न रहे जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग साथ में दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को जरा सीखो ध्यान से। अब कोई भी चीज पास में नहीं है। अगर मैं एक प्रश्न ऐसा लिखता कि 20 बटे 30 भागे कितना 15 बटे कितना 4 गुणे 3 बटे 5 धन 2 बटे 4 माइनस 3 बटे 1, तो ये सारे सीक्वेंस में थे। पहले भाग था, फिर गुणा था, फिर जोड़ था, फिर घटाव था। तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करते, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर जितना आता घटा लेते। लेकिन ये प्रश्न इजी बन जाता। लेकिन ऐसा प्रश्न जिसमें सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं उसको आपको व्यवस्थित करना पड़े, तब सवाल को सॉल्व करना पड़े तो मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस प्रश्न में भाग को सॉल्व करना है तो भाग को सॉल्व करेंगे, अन्य चीज़ें उसी तरह से लिखेंगे। 20 बटे 30 है तो 20 बटे 30 लिखो, धन कितना है 10 बटे 5 है 10 बटे 5 लिखो, गुणे 3 बटे 4 है 3 बटे 4 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2 बटे 4 है तो 4 बटे 2 हो जाएगा। माइनस 30 बटे कितना 30 लिखो। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है, फिर आपको जोड़ना है, फिर घटाना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणे को सॉल्व करते हैं। 20 बटे 30 है तो 20 बटे इस तरह से 30 लिख लो, प्लस कितना है 10 बटे 5 गुणे 3 बटे 4 गुणे 4 बटे 2 है। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लो, अगर कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लो, 5 एक के 5, 5 दूना 10। अब 2 से 4 कट जाएगा या 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट दिया। अब 2 का गुणा 3 में करो, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ पर नीचे 5 भी कटा है 4 भी कटा है, अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 लिख लो इस तरह से। हम क्या करेंगे, 2 से इस 2 को भी काट सकते थे, तो चलो 2 से हम 2 को काट देते हैं। बातें समझ में आ गई। तो नीचे अब कुछ भी नहीं बचा है, तो नीचे अब आप बटे का चिन्ह लाकर 1 लिख लो, और ऊपर देखो कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, भाई मिट जाओ, ऊपर देखो कितना आएगा, ऊपर जब ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो ऊपर बच रहा है 3, तो यहाँ पर हम 3 इस तरह से लिख लेंगे, 3 बटे 1। आगे माइनस 30 बटे 30 है तो माइनस 30 बटे 30 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, भिन्न को जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, या इनको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, समझ में आई बात है कि नहीं। अगर आप आराम से सॉल्व करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रुक जाता है क्योंकि जो मेमोरी उसमें लगा हुआ है ना वो थोड़ा कम पावर वाली है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो रुक जाता है। अगर ध्यान ना दूं तो इधर मैं पढ़ाता रहूं, उधर कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। अब देखो, सौभाग्य से आपका हर क्या है, बराबर है। अगर हर बराबर नहीं होता तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता, फिर बराबर करना पड़ता। हम क्या करेंगे, 30 अब हर बराबर है तो 110 में से 30 घटा लो आराम से, बस 0 है तो 0 लिख लो। अब यहाँ पर एक इससे उधार बनेगा, बन जाएगा कितना 11, 11 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये उधार दे दिया तो बच गया सुनना 80 बटे कितना आएगा 30 आएगा, 0 से 0 काट देना 8 बटे 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा लल्लू पंजू सवाल देगा तो सेम इसी तरह से करना, तो गलती वलती नहीं होगा। तो आशा करता हूँ काफ़ी देर से सब क्लास को लिया हूँ, काफ़ी आराम से क्लास को लिया हूँ, ना तो कुछ उद्दंड मचाया हूँ ना हंसी मजाक किया हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं रहता है। चलिए मिला जाए क्लास नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, तबीयत वैसी सही है, इतना भी ख़राब नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर किसी दिन ऐसा आएगा जब क्लास एकदम मस्त तरीके से लूँगा, जिसमें हंसी मजाक सब कुछ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। तो जितना भी प्रश्न कराया हूँ सारे प्रश्नों को नोट करिएगा और ध्यान से सारे प्रश्नों को करिएगा। और मैं कहता हूँ जितने भी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखे होंगे। मिल जाए नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।